ये लिखा है माए जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, लिखा है मदीना में ना कुछ माहौल इस तरह का बन गया कि थोड़ी कहत की सूरत इख्तियार कर ली माहौल, खाने को कुछ नहीं था। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे उस वक़्त, सारे आले मदीना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हज़रत, अब तो खाने को भी कुछ नहीं रहा। आपने फरमाया इंशाल्लाह रात तक अल्लाह खाने पीने का बंदोबस्त कर देगा। वो लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊँट ना ये सामान तिजारत लेके शाम गए हुए थे, जब मदीना पाक में इस तरह की कैफियत हुई ना तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊँट वापस बुलवा लिए, उनको शाम नहीं जाने दिया, उनको मदीना पाक वापस बुला लिया। वो जब ऊँट वापस आए ना तो जो ताजिर थे ना वो सारे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, क्योंकि उनको पता था कैद पड़ा हुआ है, गल्ला है कोई नहीं, हम उस्मान गनी से ख़रीद लेंगे और फिर इसको कई गुना महंगा करके बेचेंगे, जैसे हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं है? वो आलू जड़े रमज़ान तो पहले 40 रुपये किलो होंगे, रमज़ान च 140 हो जाते हैं, और दुख की बात यह है कि हज़रत जी वही 40 वाले आलू 140 जो बेच रहा उसने 7 अज भी कई हुए हैं, वो पता लगता है साल में हर साल बड़ी महफल भी करवाता है, दुख की बात ये है। हम अल्लाह को भी, अब मैं इस पर पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलूँ, हम अल्लाह को भी दाव लगा रहे हैं। वो जो उसने रमज़ान में 40 वाले टमाटर 140 बेचे ना, वो कहता है मैंने हज करके वो क्लियर कर लिया, वो समझता है मैंने वो जो बड़ी सी महफल करवाई ना मैंने वो करवा के क्लियर कहा, नहीं मैम भाई जी इस तरह क्लियर नहीं होता है, इस तरह नहीं क्लियर होता है। वो सारे जो ताजर थे ना वो हज़रत उस्मान गनी के पास आए और आके कहते हैं हज़रत ये जो आपका माल आया वापस शाम से इसे हमें बेच दें। आपने फरमाया कितने में खरीदोगे? उन्होंने कहा हुज़ूर 2% पे। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हज़रत 3। आपने फरमाया नहीं। हज़रत 4। आपने फरमाया नहीं। हज़रत 5। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हज़रत फिर कितने में बेचेंगे? आपने फरमाया मैं उसको बेचूँगा जो 10% दे। वो आगे से ताजर कहते हैं हज़रत 10% कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। आपने फरमाया तुम्हें कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है फलाहू अशरू अमसालेहा, तुम 1-2 में 10 दूंगा है, तुम्हें 1-2 में 10 दूंगा, मैंने ये सौदा अपने अल्लाह से कर दिया है। वो लिखा कि आपने मदीना पाक खड़ा होकर ऐलान किया, आपने फरमाया ऐ मेरे महबूब के उम्मती आओ, ये मैंने बेचने के लिए नहीं मंगवाया, ये मैंने अपने अल्लाह के लिए, आओ जिस जिसका जो दिल करता है उठा के ले जाओ, अदर जाए तो करो 10% वाला सौदा, इतना नफा कोई नहीं देगा। और ये 10 उसके लिए है जिसकी नीयत में बड़ा जोफ था, बाकी तो 70 भी है जी, बाकी तो बगैर हिसाब भी है, ये तो को मेरे जैसा है ना बड़ा कमजोर था उसके लिए फला हूं 70% भी है, फिर उससे और बढ़ेगा, अदर बेहिसाब दिया जाएगा, अदर करो अदर जी अपने अल्लाह से, और कभी वो घाटे का सौदा नहीं होगा। लो लगाओ अपने अल्लाह से, लो लगाओ अपने अल्लाह से,